हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू हेल्पिंग आई टीवी। फ्रेंड्स, अक्सर नौवां महीना लगने पर गर्भवती महिलाओं के मन में ये सवाल उठने लगता है कि मुझे अभी तक लेबर पेन शुरू क्यों नहीं हुआ और कब तक होगा, और उन्हें कुछ बातों को लेकर घबराहट सी भी होने लगती है। तो आज के वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। महिलाओं को डॉक्टर की तरफ से एक डेट दी जाती है जिसे ड्यू डेट या संभावित तिथि कहते हैं। डॉक्टर यह तारीख जिस तारीख को पीरियड शुरू होता है उस तारीख से 7 या 8 दिन ज़्यादा जोड़कर देते हैं। कई बार ड्यू डेट आसपास आने वाली होती है लेकिन लेबर पेन शुरू नहीं होता है, तो आपको इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती है, क्योंकि हर गर्भवती महिलाओं में शिशु के जन्म लेने का समय अलग अलग होता है। लेकिन जैसे ही आपकी ड्यू डेट बिल्कुल नज़दीक आए तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब आप किसी भी समय प्रसव पीड़ा आपको हो सकती है। कभी कभी यह प्रसव पीड़ा ड्यू डेट के 10 दिन बाद भी हो सकती है, इसलिए बिना घबराए हुए थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि ड्यू डेट एक अनुमानित तिथि होती है जो डॉक्टर द्वारा दी जाती है, ना कि एकदम सही तारीख होती है। डॉक्टर तो पीरियड के हिसाब से डेट देते हैं, लेकिन दर्द का होना इस बात पर निर्भर करता है कि आपको गर्भ किस दिन ठहरा होगा, जो हमें करेक्ट पता नहीं होता है, और 10 से 12 दिन दर्द होने में ज़्यादा या कम भी हो सकते हैं। टिप्स: ड्यू डेट क्रॉस होने पर भी घबराएं नहीं, थोड़ा और वेट करें। आप चाहें तो डॉक्टर से परामर्श ले सकती हैं, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकती हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या सर्च कर सकती हैं www.helpingguidetv.com। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।